हैं, रेड वेटल्ड लैपविंग, आम भाषा में इसको टटीरी भी बोलते हैं। हमारे खेतों में मिलती है, काफ़ी अच्छा परिंदा, सांप वगैरह को इतनी जल्दी एंट्री नहीं देती है। अब इसको क्या, इसको हमने रेस्क्यू किया, इसका क्या दिक्कत है, इसकी दिक्कत यह है कि ये जो पतंग का मांजा था उसमें ये बाजू अटक गई थी, कट गई है ये बाजू, ये देख सकते हैं जो भी ये येलो येलो ये सारी पस है। तो अब हम इसको थोड़ा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन देंगे। दिखाओ जरा कहाँ कट है। एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे इस पर, देखा जाए तो फ्रैक्चर नहीं है, बस इसके मसल थोड़ा डिस्ट्रॉय हुआ है, कोशिश करेंगे ये रिकवर हो जाए। जैसे रिकवर होगी हम इसको वाइल्ड में छोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं सारी इसकी ड्रॉपिंग्स लगी हुई है, ये इसकी एक बाजू नीचे लटकी रह रही है। अब इस पर थोड़ी मेहनत तो करेंगे, इसलिए कोशिश करें जो प्लास्टिक का मांजा है उसको इग्नोर किया करें, क्योंकि वो इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होता, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये देखो अभी इसकी क्या हालत है, मसल के बैंड आपको सामने दिख रही है, येलो जितनी भी है सारी पस है। ये देखो कितनी स्वेलिंग इन्फ्लामेशन हुई है यहाँ पे, मैगोट्स भी हो जाएंगे। इसलिए हम इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करेंगे, अप्लाई भी करेंगे और एंटीबायोटिक्स इसकी ओरली हम यूज़ करेंगे इस पर। होप सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।